न्यूली स्टार्टेड IITs की बात करें गाइस, तो ऑल ओवर इंडिया और एक IIT काफी फेमस है और वो है IIT तिरुपति। जी हाँ गाइस, भगवान श्री तिरुपति बालाजी के नगरी की ये IIT 2016 में स्टार्ट हुई है और आज ये इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूशन में शुमार भी हो चुकी है। तो अगर आप भी इस इंस्टीट्यूशन के बारे में कई सारी डिटेल और यूनिक बातें जानना चाहते हैं तो आज का ये IIT तिरुपति स्पेशल सेशन आप एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम यहाँ पे ईच एंड एवरी ब्रांच के प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स तो आपके लिए लाए ही है, साथ ही में हम यहाँ की सीट मैट्रिक्स के बारे में भी जानेंगे, क्या कट ऑफ होगा इसके बारे में जानेंगे, और पहली बार गाइज हम आपके लिए यहाँ का डिटेल फीस स्ट्रक्चर लाया है, यानी कि IITs में आपको किस चीज के लिए कितना फीस चार्ज किया जाता है, ये सब आपका टोटल सेमेस्टर फीस कितना होगा, सब बातें आज आपको इसमें पता चलने वाली है। तो कई सारी यूनिक बातें गाइज हम आपके लिए लाते रहते हैं, तो उसके लिए एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो बनता ही है और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा। Viewers, you are watching Freshers Gate and I'm your host Sai Chandra. So guys, IIT Tirupati का 500 plus acre में integrated world class campus है यहाँ पे, जहाँ students के लिए कई सारी unique amenities यहाँ पे देखने को मिल जाती है, जैसे आपके indoor outdoor sports facilities, integrated research lab या फिर theaters, convocation halls, quality classroom, hostel, quality food और वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस टीचिंग स्टाफ भी यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो कई सारी यूनिक चीज़ों की वजह से यहाँ का एटमॉस्फियर भी काफ़ी एजुकेशन फ्रेंडली हो जाता है। तो ऐसे क्वालिटी इंस्टीट्यूशन में अगर आपको भी पढ़ना है तो आपको यहाँ के कट ऑफ एंड सीट मैट्रिक्स पता होने ही चाहिए। तो चलिए गाइस, सबसे पहले हम केमिकल इंजीनियरिंग से स्टार्ट करते हैं। तो इस इंटीग्रेटेड चार्ट में आप कट ऑफ देख सकते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग में टोटल आप लोगों के लिए 39 सीट्स है, जिसमें हर कैटेगरी के लिए कितनी सीट्स है वो भी मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ। जैसे आप कट ऑफ में इस चार्ट में देख सकते हैं, अगर आप OBC NCL कैंडिडेट हो तो अगर आपका 5000 के अंडर का रैंक है ऑल ओवर इंडिया तो आपको ये ब्रांच जरूर मिल सकता है। वहीं हमारे पास नेक्स्ट ब्रांच है सिविल इंजीनियरिंग, तो सिविल में भी 39 सीट्स आप लोग के लिए है, इंक्लूडिंग सुपर न्यूमररी सीट्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सुपर न्यूमररी के कॉलम में हमने उनके एक्सपेक्टेड कट ऑफ दिए है, एंड इधर जो जेंडर न्यूट्रल रहेगा मेल फीमेल दोनों के लिए कॉमन कट ऑफ है, तो इसको थोड़ा सा आप पॉज करके जरूर देखिएगा। नेक्स्ट है वन ऑफ द हाईली डिमांडिंग ब्रांच कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, तो उनके भी हमने यहाँ पे कट ऑफ दिए है। तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पे टोटल 53 सीट्स है, तो कंपटीशन काफ़ी हाई है और सीट्स आपके पास लिमिटेड है, तो आप अपने कैटेगरी अनुसार यहाँ पे कट ऑफ आराम से देख सकते हैं। और जहाँ हमने डैश किया हुआ है, यानी कि उस टाइप के कैंडिडेट्स के लिए वहाँ पर रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, इसका आप सिंपल मतलब निकाल सकते हैं। फिर नेक्स्ट ब्रांच है गाइज हमारे पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए भी 53 सीट्स आप लोग के लिए यहाँ पे है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सभी टाइप के कैंडिडेट्स के लिए फीमेल सुपर न्यूमररी के आपको यहाँ पे सीट्स मिल जाते हैं। और फिर लास्ट ब्रांच है यहाँ का गाइज मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो मैकेनिकल के भी यहाँ पे आपको 53 सीट्स मिलते हैं। तो ऐसे गाइज यहाँ पे टोटल अभी 5 इंजीनियरिंग के ब्रांचेस है, आने वाले समय में यहाँ पे ड्यूअल डिग्री की भी ब्रांचेस स्टार्ट हो जाएंगी, इसका आप ध्यान रखिए। तो काफ़ी डिमांडिंग फील्ड होता जा रहा है ड्यूअल डिग्री, हमने कई सारे IITs के जो रिव्यू डाले हैं उसमें आप देख सकते हैं, कई सारे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स भी मिल जाएंगे हमारे। तो यहाँ पे भी आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कट ऑफ देख सकते हैं, तो मैकेनिकल में भी 53 सीट्स आपको यहाँ पे मिलने वाली है। अब हम कैटेगरी वाइज अगर देखें तो कितनी सीट्स किस कैटेगरी के लिए आती है, तो ये भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो अगर आप ओपन कैटेगरी के कैंडिडेट हो तो इस IIT में आपके लिए टोटल 90 सीट्स है, और PWD ओपन अगर आप हो तो उसके लिए आपको 5 सीट्स है, वहीं EW के लिए 23, EWS PWD के लिए 1, SC के लिए 34, SC PWD के लिए 2, ST के लिए 17, ST PWD के लिए 1, एंड OBC NCL के लिए 61, एंड OBC PWD के लिए 3 सीट्स है। तो ऐसे गाइज यहाँ पे टोटल 237 सीट्स है, इंक्लूडिंग 13 सुपर न्यूमररी। सो गाइज ये तो हो गया आपके टोटल ब्रांच वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ एंड सीट मैट्रिक्स। तो अब बारी है फीस स्ट्रक्चर को जानने की। तो फीस में यहाँ पे इस इंटीग्रेटेड चार्ट में आप देख रहे हैं, काफ़ी डिटेल में हमने इस बार आप लोगों के लिए चार्ट बनवाया है, ताकि आपको पता चल पाए कि आप किसके लिए या फिर किस चीज़ के लिए IITs में पर्टिकुलर फीस दे रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपका दिया है हमने कि वन टाइम फीस ड्यूरिंग द एडमिशन, तो वो कितना फीस लगने वाला है। हालांकि ये सब टेंटेटिव फीस है गाइज, इसका आप ध्यान रखिए, यानी कि ईयर बाय ईयर इसमें कुछ मेजर एंड माइनर चेंजेस हो सकते हैं, इसका आपको ध्यान जरूर रखना है।
तो जैसे आप अगर आप SC ST PWD टाइप के कैंडिडेट हो तो आपको पर सेमेस्टर 58,000 के आसपास फी लगेगा। वहीं अगर आप जनरल OBC EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपका ईयरली पैरेंटल इनकम 1 लाख के अंडर है तब आपको 58,000 के आसपास फी लगेगा, और अगर आपका ईयरली पैरेंटल इनकम 1 से 5 लाख के बीच में है तो 92,000 के आसपास फी लगेगा। वहीं अगर आपका ईयरली पैरेंटल इनकम 5 लाख एंड अबव है तो आपको फुल फी यहाँ पे देना पड़ेगा, यानी कि 1,58,000 के आसपास आपका फी रहेगा। तो इस फी में गाइस सभी बातें इंक्लूडेड है, जैसे आपके हॉस्टल हो, मेस हो, मेडिकल इंश्योरेंस हो, सेमेस्टर फी हो, स्टूडेंट अफेयर फीस हो, तो सभी टाइप की फीस इसमें इंक्लूडेड है, तभी जाके ये नीचे टोटल में आप इतना नंबर देख रहे हैं। तो इसके लिए आपको कई सारे स्कॉलरशिप्स भी मिलते हैं, तो इसके लिए आप चिंता ना करें। इवन आप इसमें एजुकेशन लोन भी ले सकते हैं। IITs वालों के लिए काफ़ी सिंप्लीफाइड तरीका होता है एजुकेशन लोन लेने का, तो वो भी इसके लिए आपको इंस्टीट्यूशंस भी हेल्प करते हैं। तो इस चार्ट को गाइज आप थोड़ा सा पॉज करके अच्छे से देखिए। जहाँ पे जैसे एडमिशन फी लिखा है तो वो वन टाइम फी रहता है। इवन इसमें जैसे वन टाइम रिफंडेबल डिपॉजिट है तो वो भी आपका वन टाइम फी रहेगा, यानी कि 5,000 and 6,000 रुपीज़ के आसपास का फी आपका वन टाइम ही देना है आपको, बाकी सेमेस्टर में ये फी इंक्लूड नहीं रहेगा। सो चलिए गाइस फीस के बाद बारी आ जाती है वन ऑफ द अवेटेड सेक्शन, यानी कि प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स जानने की। तो यहाँ पे इस बार 150 से भी ज़्यादा नेशनल मल्टीनेशनल रिक्रूटर स्टूडेंट्स को हायर करने आए थे, जिन्होंने 200+ जॉब ऑफर स्टूडेंट्स को दिए हैं एंड 180 स्टूडेंट्स इस बार प्लेस भी हो चुके हैं। यानी कि ओवरऑल परसेंटेज अगर हम देखें गाइस तो 95% के आसपास स्टूडेंट्स यहां पे प्लेस हो चुके हैं। हाईएस्ट सैलरी इस बार 69.50 लाख पर एनम का रहा है। एवरेज सैलरी ओवरऑल ब्रांचेस को मिला के 15.50 लाख पर एनम का रहा है। और गाइज अगर हम ब्रांच वाइज भी इसमें स्टैटिस्टिक्स देखें तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 38 में से 38 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं, यानी कि 100% प्लेसमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 40 में से 37 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं। मैकेनिकल में 33 में से 33 प्लेस हो चुके हैं। केमिकल में 20 में से 19 प्लेस हो चुके हैं एंड सिविल में गाइज 21 में से 15 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं। तो ऐसे ही गाइज IIT तिरुपति का इस बार काफ़ी ज़बरदस्त प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स हमें देखने को मिल रहा है। तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आज का सेशन आपको कैसे लगा और किस IIT या फिर NIT का ऐसे टाइप का सेशन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो मिलते हैं अगली बार और एक नए और यूनिक एजुकेशन शब्द के साथ। टिल देन आप हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट टाइम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।